कोटा रोड पर लकड़ियों से ओवरलोड ट्रक ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज तार में उलझ गया। तारों में खिंचाव होने से साथ खड़ा एक ट्रांसफार्मर पोल सहित एकदम नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद पीछे के दो तीन पोल भी नीचे गिर गए और पूरे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। मामले की सूचना पाकर शहर थाना प्रभारी राजपाल मौके पर पहुंचे। ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार सोमवार को भूना रोड पर लकड़ियों से भरा एक ट्रक गुजर रहा था। ट्रक में लकड़ियां ओवरलोड होने के कारण उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा थी। इसी के चलते सड़क पर नीचे लटके हाई वोल्टेज तार पर ट्रक में फंस गए। ट्रक से जब खिंचाव हुआ तो तारों से जुड़ा ट्रांसफार्मर पोल सहित नीचे गिर गया, जिससे उसका तेल निकल गया। ट्रांसफार्मर से खिंचाव होने से पीछे के दो तीन खंभे भी गिर गए और तारे नीचे आ गिरी। इससे एक खच्चर तारों की चपेट में आ गया। खच्चर को जोरदार करंट लगा। काफी देर वह बेसुध पड़ा रहा तो लोगों ने उसे साइड में लाकर पानी डाला ताकि वह होश में आए। तारे नीचे गिरने से जान माल का नुकसान हो सकता था, लेकिन गनीमत थी कि वहां कोई नहीं था। ट्रक चालक भी बाल बाल बच गया। वार्ड की बिजली लाइन ठप हो गई, जिससे लोग परेशान रहे। थाना प्रभारी राजपाल ने कहा कि ट्रक की टक्कर से ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया था और लाइट भी ठप हुई है। आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।